गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विवेक वर्मा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत मैं कबीर दास के एक दोहे से करना चाहूँगा। कबीर दास जी ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। ध्यान दीजिए, कबीर दास जी ने ये जो दोहा कहा है, ये जब उन्होंने कहा था तब जितना प्रासंगिक था, आज भी उतना प्रासंगिक है और आगे भविष्य में भी यह सदैव प्रासंगिक बना रहेगा। फिर से मैं उन लाइनों को दोहरा रहा हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी कबीर दास जी ने धैर्य की यहाँ बात की है कि जो भी चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे ही होती हैं, अचानक नहीं होती है। कोई भी विकास क्रमिक होता है, क्रमवार होता है, कुछ भी अचानक चमत्कार जैसा नहीं होता है। और देखिए, माली जो है अपने बगीचे में सारे वृक्षों को, सारे फूलों को सिंचाई नित्य, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि किस पेड़ में आज फूल आ रहा है और किस पेड़ में आज फल आ रहा है, वो ये परवाह करके नहीं सिंचाई करता। वो नित्य सारे पेड़ों की सिंचाई करता रहता है और फल जिस ऋतु में आना होता है, जैसे आम का अगर है पेड़, तो उस आम के पेड़ में गर्मी के मौसम में ही फल आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर माली किसी पेड़ की सिंचाई ज़्यादा कर देगा तो फल उसमें ज़्यादा सिंचाई करने से आ जाएगा। यानी यहाँ इनका सिर्फ ये तात्पर्य है, इन्होंने ये बताना चाहा है कि देखिए, हमारे और आपके वश में है अपना कर्म करना। माली के वश में था पेड़ों की सिंचाई करना, तो वो डेली सिंचाई पौधों की करता है और जब उपयुक्त समय आएगा, जब भी उपयुक्त समय आएगा, वो उपयुक्त समय हमें नहीं मालूम है, जब भी उपयुक्त समय आएगा, यानी जो कबीर दास जी ने कहा कि उपयुक्त समय से मतलब जब ऋतु आया, जब जिस वृक्ष की ऋतु आई, जिस मौसम में वो फल देता है, तो उस मौसम के आने पर ही उसमें फल का सृजन होता है। तो यही बात कबीर दास जी ने यहाँ समझाया है कि भाई आप अपने कर्म करते रहिए, धीरे धीरे हौले हौले अपने कार्य में लगे रहिए और फल की इच्छा मत करिए। जब सही समय आएगा, सही ऋतु आएगी, तो फल अपने आप ईश्वर देगा। ठीक है, क्योंकि फल हमारे वश में नहीं है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग भी मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस सीख के साथ हम लोग नया लेक्चर शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस का ये जो लास्ट टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। हमने देखिए फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस क्या है पढ़ लिया था, द फैक्टर्स आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया, लाइट रिएक्शन पढ़ लिया, लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया, फोटोलिसिस ऑफ वाटर पढ़ लिया हमने, फोटोसिस्टम, क्वांटासोम, फिर डार्क रिएक्शन में हमने कैल्विन साइकिल, हैच एंड स्लैक साइकिल, कैम साइकिल, ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। ठीक, तो अब जो फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है लास्ट टॉपिक इसका, और वो लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में हम लोग शुरू करते हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से। 1905 में ब्लैकमैन्स ने ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था। ठीक है, और ब्लैकमैन तो नाम आपको याद ही होगा, ब्लैकमैन ने ही डार्क रिएक्शन नाम दिया था। द टर्म डार्क रिएक्शन वॉज गिवन बाई ब्लैकमैन, और इसी वजह से डार्क रिएक्शन को हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो वही ब्लैकमैन, उन्होंने ही ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया। ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या बताता है समझिए। ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये कहता है कि इफ़ एनी प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाई मैनी फैक्टर्स। मान लीजिए कोई केमिकल प्रोसेस है जो कई फैक्टर्स से कंट्रोल्ड है, ठीक है, तो उस
सारे फैक्टर में से वो फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है वही उस केमिकल प्रोसेस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और इसी से मिलता जुलता केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एक आप कह सकते हैं एक और लॉ है जो पढ़ते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, वो भी यही कहता है कि भाई किसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का काम वो करता है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, जो सबसे पहले कंज्यूम होता है। ऐसे ही इकोलॉजी में भी एक इस तरह का थ्योरी दिया गया है, लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम। लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम वहाँ लिबिग ने दिया था, उन्होंने कहा कि इफ़ एनी इकोलॉजिकल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाई मैनी फैक्टर्स देन द फैक्टर अवेलेबल इन लीस्ट अमाउंट इज बिहेव एज ए लिमिटिंग एजेंट फॉर दैट इकोलॉजिकल प्रोसेस। यानी उस इकोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वही सबसे कम अमाउंट में मौजूद जो फैक्टर है या जो फैक्टर सबसे पहले ख़त्म हो गया वही लिमिटिंग एजेंट का काम करेगा, यानी ब्लैकमैनस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। फिर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में या लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, ये सारे जो लॉज हैं वो एक जैसी ही बात कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ब्लैकमैनस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, चूँकि ब्लैकमैनस ने फोटोसिंथेसिस को डिटेल में स्टडी किया था तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस के कॉन्टेक्स्ट में ब्लैकमैनस लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, जहाँ इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर कई फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल है तो वो फैक्टर जो सबसे पहले ख़त्म होगा, जो सबसे लीस्ट अमाउंट में होगा, वही फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपका फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है भाई, ग्लूकोज बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्लूकोज C6H12O6, यही बन रहा है ग्लूकोज, यानी यही फूड है फोटोसिंथेसिस का। अब इसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? इसको बनाने के लिए आपको चाहिए भाई, बताइए क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए? आपको चाहिए, मान लीजिए एक कंटेनर रखा है जिसमें मान लीजिए CO2 है। क्या है? CO2 है। फिर ये मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें क्या है? इसमें वाटर है। ठीक, एक और बड़ा कंटेनर है जिसमें मान लीजिए लाइट है। ठीक है, और एक और कंटेनर है मान लीजिए जिसमें क्लोरोफिल है। ठीक है, ये मेन फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, ग्लूकोज बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो अब ध्यान दीजिए आप कि इन सब में से आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल, ये चारों कंपोनेंट्स होंगे तभी फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, ग्लूकोज यानी फूड का फॉर्मेशन होगा। कोई डाउट है इसमें? आप सोचिए कि इन चारों फैक्टर्स में, ये जो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर, चारों फैक्टर्स हैं, इन चारों फैक्टर्स के बिना ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो भाई इन चारों फैक्टर्स का अमाउंट देखो अलग अलग है, मैंने ऐसे ही रैंडमली बनाया। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को कम दिखाया है, मैंने छोटा ब्लॉक बनाया है, वाटर को बड़ा ब्लॉक, लाइट को खूब बड़ा ब्लॉक बना दिया, क्लोरोफिल को छोटा ब्लॉक बना दिया है। मतलब यहाँ दिखने में क्या लग रहा है कि अगर सबका इस्तेमाल हो सब में से तो जो सबसे कम हो वो पहले, और यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने छोटा ब्लॉक दिखाया है, तो मतलब सोचो कि सब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोफिल इस्तेमाल होकर आपका फूड बन रहा है और सबसे पहले आपका यही कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सबसे कम अमाउंट में, सबसे छोटे डिब्बे में देखिए रखा था। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हुआ, भले ही वाटर बचा है अभी, भले ही लाइट अभी बचा है, लाइट है अबंडेंट अमाउंट में, लाइट की कोई कमी नहीं है, वाटर की कोई कमी नहीं है, क्लोरोफिल की कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गया है इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का कौन काम कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। बात समझ में आया? क्लियर है? यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कौन कंट्रोल कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? लेकिन इसके उलट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार कार्बन डाइऑक्साइड ही लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लाइट की अवेलेबिलिटी कम है, जो लाइट जो अबंडेंट है भाई, सूरज की रोशनी तो बहुत अबंडेंट है, लेकिन किसी कारणवश मान लीजिए किसी पौधे को हम गमले को उठा के कमरे में बंद कर दे जहां लाइट पहुंच ही नहीं रहा, अंधेरा है,
तो सोचिए उस कमरे में आप उस गमले में रोज उसको पानी दीजिए, सिंचाई करिए उसकी, और उसकी पत्तियां हरी हैं शुरुआत में जब आप ले जा रहे हैं तो, यानी उसमें क्लोरोफिल भी है और कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, लेकिन चूंकि कमरे में लाइट नहीं है तो आप सोचिए कि यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट का काम कौन कर रहा है, लाइट कर रहा है, क्योंकि लाइट लीस्ट अमाउंट में हो गया ना, लाइट सबसे कम अमाउंट में हो गया, लाइट नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। मतलब इन फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर वो जो सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल होगा वही काम करेगा लिमिटिंग रिएजेंट का। क्लियर है, बात समझ में आ गया आपको? तो ये आपका ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है, और इसको मैं एक और आप कह सकते हैं एग्जांपल से बच्चों को समझाता हूँ कि आप बच्चों, आप सभी ने जंजीर जरूर खेला होगा, जंजीर वाला खेल खेला है, जंजीर वाले खेल में आपने सभी जब खेला है तो आप देखिए उसमें क्या होता है कि एक चोर होता है, एक चोर होता है और वो चोर जिसको जिसको छूता जाता है वो उसके साथ जुड़ के अब लोगों को छूता है, यानी एक चेन बनती जाती है, क्या बनती जाती है, चेन बनती जाती है जिसे हम कहते हैं जंजीर, क्या कहते हैं, जंजीर। क्लियर है, और जैसे ही जंजीर बीच से टूटता है, मान लीजिए कहीं से जंजीर टूटा तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिर पिटाई करते हैं, यही है ना, याद आया जंजीर का खेल। तो अब सोचिए जंजीर कहाँ से टूटता है, मान लीजिए ये लड़के की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इस लड़के की स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, इस लड़के की स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है, इस लड़के की स्पीड मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये एक रैंडम है, मान लीजिए इसका 20 किलोमीटर है, इसका 30 किलोमीटर है पर आवर, ठीक है। तो आप सोचिए कोई आपसे पूछे कि भैया ये बताओ ये जंजीर जो है मैक्सिमम कितनी तेज दौड़ेगा, क्योंकि जंजीर टूटना नहीं चाहिए, बिना टूटे हुए ये जंजीर की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी बताओ आप। तो इस जंजीर में देखो 50 किलोमीटर पर आवर से दौड़ने वाला भी लड़का है, ये सबसे तंदुरुस्त हिस्टपुस्ट सबसे बड़ा लड़का होगा, और इसी जंजीर में एक सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर वाला दौड़ने वाला भी लड़का, यानी ये सबसे छोटा और कमजोर लड़का है जिसकी स्पीड सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर है। तो क्या इस जंजीर की मैक्सिमम स्पीड जो सबसे तेज लड़का दौड़ रहा है वो होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर से दौड़ा तो ये जो 5 किलोमीटर पर आवर वाला है ये 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ ही नहीं सकता, तो पक्का है जंजीर क्या होगी, टूट जाएगी, यानी जंजीर यानी ये चेन बिना टूटे हुए अगर आप इसकी मैक्सिमम स्पीड पूछेंगे तो वो मैक्सिमम स्पीड कौन डिसाइड करेगा, इस चेन में जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, इस चेन में जो सबसे कमज़ोर बच्चा है जिसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है वही इस जंजीर की मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। बात समझ में आया? तो वही केमिकल प्रोसेस में भी है कि भाई कोई केमिकल प्रोसेस है जिसमें कई फैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो इन फैक्टर्स में से वो फैक्टर जो सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है वही इस फैक्टर वही इस प्रोसेस के रेट को कंट्रोल करेगा, इस प्रोसेस के स्पीड को कंट्रोल करेगा। क्लियर है? तो ये इस एग्जांपल से आसानी से समझ में आ जाता है। या माला आप देखिए, कोई भी माला कहाँ से टूटता है, जहाँ से सबसे कमज़ोर कड़ी होती है, जो सबसे मजबूत कड़ी है कभी भी वहाँ से कोई भी चेन नहीं टूटती है। मान लो अब एक चेन भी, एक मान लीजिए एक मोतियों की माला है, ये मान लीजिए एक मोतियों की माला है जिसमें कुल आपके 1, 2, 3, 4, 5 मोती हैं, मान लीजिए ये वाला मोती 2 जंजीर से है, ये वाला मोती सिर्फ 1 जंजीर से बंधा हुआ है, ये वाले मोती में 3 जंजीर लगा हुआ है, ये वाले मोती में 2 जंजीर है, इसमें 4 जंजीर से बंधा हुआ। अब सोचिए ये मोतियों की माला टूटेगी कहाँ से, वहाँ से जहाँ इसकी सबसे कमज़ोर कड़ी है, मतलब यहाँ से ये ब्रेक करेगी। बात समझ में आया ना? यानी ये सारे, ये पूरा जीवन की फिलोसफी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई जो सबसे कमज़ोर कड़ी होती है वही किसी भी फिनोमिना किसी भी प्रोसेस के रेट को डिसाइड करता है, रेट को डिसाइड करता है, उसकी स्पीड को डिसाइड करता है। क्लियर है? तो अभी मुझे लगता है कि
आपको ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाई मोर देन वन फैक्टर्स, एक से ज्यादा फैक्टर्स से अगर कंट्रोल्ड है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड, इसका रेट यानी स्पीड किसके द्वारा डिटरमाइंड होगा, डिटरमाइंड बाई द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, जो मिनिमल वैल्यू यानी सबसे कम अमाउंट उसका हो सकता है, उस तक पहुँचते जो सबसे कम हो गया आप कह सकते हैं, या उसी को दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, बाई द फैक्टर अवेलेबल इन लीस्ट अमाउंट, जो सबसे कम अमाउंट में अवेलेबल है, जो सबसे पहले ख़त्म हो रहा है, वही उस केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये मॉडिफिकेशन है किसका, लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम, इकोलॉजी में लिबिक्स ने लिबिक्स लॉ ऑफ मिनिमम दिया था, ये उसी का मॉडिफिकेशन है। केमिस्ट्री में भी इससे मिलता जुलता एक प्रोसेस है, दैट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। इसमें एक साइंटिस्ट थे सैक, सैक ने देखो क्या दिया था, सैक ने सिंपल इन्होंने बताया कि कोई भी फैक्टर जो है उसका तीन कार्डिनल पॉइंट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, कि किसी भी फैक्टर का एक मिनिमम अमाउंट होगा जिस पे रेट प्रोसेस का सबसे कम हो, ऑप्टिमम रेंज यानी उस फैक्टर की अवेलेबिलिटी का क्या रेंज हो जिसमें वो प्रोसेस बहुत अच्छे से हो, और एक उस फैक्टर का क्या वैल्यू है जिस पर वो प्रोसेस मैक्सिमम हो। तो ये तीन कॉर्डिनल पॉइंट्स, मिनिमम, ऑप्टिमम रेंज एंड मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सैक। मान लीजिए लाइट है, तो लाइट का कोई एक ऐसा अमाउंट होगा जिस पे फोटोसिंथेसिस मिनिमम होगा, तो वो उसका मिनिमम अमाउंट होगा। ठीक है, लाइट की अवेलेबिलिटी का एक रेंज होगा जिस पे फोटोसिंथेसिस एक ऑप्टिमम रेंज में होगा, अच्छे से होगा, तो ऑप्टिमम रेंज हो गया। लाइट का एक ऐसा अमाउंट होगा जिस पे फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम आप कह सकते हैं कार्डिनल पॉइंट हो गया। क्लियर है, तो जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया है ग्राफ में, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इधर लिमिटिंग फैक्टर है, तो ये मिनिमम हो गया, और ये आपका यहाँ देखिए ये ऑप्टिमम रेंज हो गया, और फिर घटता है, यानी कोई भी प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ता है, एक समय आया तो पीक आया, पीक के बाद फिर क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, तो तीन कार्डिनल पॉइंट्स, मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, सैक ने दिया था। ठीक है, और ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या कहता है, व्हेन एनी केमिकल प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय मैनी फैक्टर्स देन द फैक्टर अवेलेबल इन लीस्ट अमाउंट कंट्रोल्स द प्रोसेस। ठीक है।